आप जिंदा हैं। <laughs> जिंदा हूँ और एकदम फिट एंड फाइन फर्स्ट क्लास हूँ आई एम गुड मैंने पर्पजली इंटेंशनली एक दिन पहले तक मैं एकदम सही थी Don't you think कि ये जो कैंपेन करने का तरीका था that wasn't right, because somewhere ये मेंटल हेल्थ पर लोगों की बहुत असर डाला है ये चंद लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। सर्विकल कैंसर 48 आवर्स तक गूगल पर नंबर वन पर ट्रेंड हो रहा था इसमें तो पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया होगा भावना, पूरी भावना, प्लानिंग के साथ था। तरीका डिबेटेबल है सबसे पहली बात तो मैं कानपुर से नहीं हूँ पूनम आपके खिलाफ लीगल एक्शन हुए हैं, ये भी सुनने में आ रहा है जिस बिकॉज आपका जो ये तरीका था लोगों को पसंद नहीं आया अवेयरनेस का मेरी माँ को भी कैंसर था पागल हो गया थप्पड़ मारूंगी शी, 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 शी जेनुअनली रिएक्टेड लाइक दैट राखी सावंत का बहुत अलग रिएक्शन आया था यार पूनम बहन की पकौड़ी आपने उनसे बात की बाद में ठीक हाँ वैसे आप वो चौबीस घंटे थी कहाँ पर आप I'm happy doing my shoots. मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ मेरे एक झूठ बोलने से इतनी सारी जिंदगियाँ बची हैं। I'm proud of myself. आप जिंदा हैं।

ये ये क्या तरीका था बिकॉज सब कोई शौक में था हम लोग बहुत शौक में थे कि ऐसे अचानक से कैसे हो गया ये क्या कैसे सोचा कि इस तरीके का कुछ करते हैं um, में शुरुआत से शुरुआत करती हूँ दिस वॉज कैंपेन जैसे कि सबको पता है सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए था अः uh, रही बात मेरी इंस्टाग्राम की तो मैंने परपजली इंटेंशनली uh, एक दिन पहले तक मैं एकदम सही थी बिकॉज आई इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज मैं चाहती थी कि लोग ये भी देखें कि अच्छा ये कल तक तो सही थी तो शायद ये कैंपेन हो सकता बिकॉज सर्विकल कैंसर की का डेट इज फोर्थ फोर्थ फ़रवरी नाउ इट वॉज डन फॉर सर्विकल कैंसर लाइक i repeat, like i said earlier and yeah that was all about it the campaign went well बट बट डोंट यू थिंक जो कैंपेन करने का तरीका था मेंटल right? हेल्थ पर लोगों की बहुत असर डाला है कई एक्ट्रेस एक एक्ट्रेस है वो दिक्कत हो रही थी काम करने को लेकर के एंड शी कॉमेंटेड की ये सही तरीका नहीं था समर फ्रेंड्स जिन्होंने पोस्ट वगैरह किया था उन्हें डिलीट करने परोस्ट की हाँ देट वॉज एंट राइट सो संभावना सेट उन्होंने काफी गुस्सा निकाला की मेंटल हेल्थ पर हमारी बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि हमें लग रहा था कि बताइए ऐसा कैसे हो गया इतनी यंग लड़की हमारे बीच से चली गई आप मुझे एक बात बताइए अब मैं इन लोगों का ये जो कुछ चंद लोगों के आप जो नाम ले रहे हो ये चंद लोग कितने इनसेंसिटिव हैं आप सोचिए मैं आपको समझाती हूँ बाहर आज की तारीख में सर्विकल कैंसर गांव गांव में बच्चा बच्चा आज की तारीख में सर्विकल कैंसर को जानता है समझता है कि कैंसर कौन सी है, कि ये कौन से ये कौन सा कैंसर इसको पता ही नहीं था लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर सुना है तो अच्छा ब्रेस्ट कैंसर सर्विकल कैंसर अच्छा ऐसा भी कोई कैंसर होता है क्या अच्छा इस कैंसर की वैक्सीनेशन भी है मतलब आप प्रिवेंट हो सकते हो इस कैंसर से ये एक ऐसी बीमारी है भावना जो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं आपको पता भी होता है कि आपको ये कब हुई है और आपको कहां से डिटेक्ट होगा शायद आपके पास वो साल भी ना बचे तो अब मैं आपके जवाब पर आती हूं आज की तारीख में वन मिलियन प्लस औरतों ने इसका वैक्सीनेशन लिया है सर्विकल कैंसर फोर्टी एट आवर्स तक गूगल पर नंबर वन पर ट्रेंड हो रहा था तो जब इतनी सारी औरतों ने अभी जब वैक्सीनेशन ले ली तो मैं वो खुशियां मनाऊ सेलिब्रिटीज हैं जो पता नहीं किस चीज की नाराजगी दिखा रहे हैं क्योंकि खुद तो कभी किसी ने सर्विकल कैंसर के बारे में बात नहीं की उनको पता भी है सर्विकल कैंसर के बारे में मुझे ये नहीं पता <laughs> बट आज जब मैं कुछ अच्छा कर रही हूं यार ये तो बहुत ज्यादा बच बच गई मैं तो तो सोच रही थी एक भी जान बच जाएगी ना तो मेरा और अच्छा हो जाएगा अच्छा उसके कुछ ही दिन पहले लाइक एक एक दो दिन पहले ही बजट पास हुआ था जहां पर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन या एग्जैक्टली exactly. सो so, वहां से ना, कुछ वैक्सीनेशनली मिला था कैसे आपका ये प्लान क्या था बिकॉज ऑब्वियसली पीआर भी इन्वॉल्व रहा मैनेजर्स ने भी बोला कि हाँ आपके फैमिली के फोन स्विच ऑफ थे तो ये इसमें तो पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया होगा

उनका ये आइडिया था कि हम इसको इस अवेयरनेस को फैलाएं देखिए मैं आपको एक बात बोलू ये तरीका डिबेटेबल है ये मैं आपको खुद भी बोलती हूँ। लेकिन आप इसका ब्राइट साइड देखिए ना हम औरतें इस देश में हम खाली अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखो बच्चों को इनका टिफिन पैक कर दिया ये वो जा रहा है खुद भी जो काम करने वाली भी महिलाएं होती हैं यू नो वी विमेन आर नोन फॉर जस्ट सेक्रीफाइजिंग हमको सैक्रिफाइस करना बहुत अच्छा लगता है वी फील ग्रेट अबाउट इट हाँ विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग ये बहुत अच्छी चीज है करना मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट इन सब चीजों में हम अपना ख्याल नहीं रखती We don't really care about us. आज सर्विकल कैंसर अगर लोगों ने देखा कि अच्छा ये भी कोई कैंसर है कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं मुझे बोला की हमने जाके उसका वैक्सीनेशन लिया है तो पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशन विच इज अ वरफुल थिंग सो कैंपेन इज सक्सेसफुल

कानपुर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आई मीन विद रिस्पेक्ट टू कानपुर बट आई एम फ्रॉम मुंबई यहाँ की पैदार्शी हूँ यहीं पर बड़ी हूँ स्कूल कॉलेज यहीं से किया है hmm. मैं मराठी पर चांगली बोलती कारण की कर चिया है आई एम आई एम आई एम फ्रॉम मुंबई सो मैं भी जब न्यूज देख रही थी बोले कानपुर एग्जैक्टली जरूर जाऊंगी तो so, uh, पूम आपके खिलाफ लीगल एक्शन हुए ये भी सुनने में आ रहा है जिस बिकॉज आपका जो ये तरीका था लोगों को पसंद नहीं आया अवेयरनेस का नहीं भावना uh, मैं अपने मीडिया दोस्तों से वापस दरख्वास्त करूंगी प्लीज प्लीज वेरीफाई सर्टेन न्यूज मेरे पे कोई केस नहीं हुआ है हाँ मैंने एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पे विच आई वुड रिक्वेस्ट माई मीडिया फ्रेंड टू इन्वेस्टिगेट ऑन ये न्यूज मुझ, मुझ मेरे पास भी अभी रिसेंटली आया है कि कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं अच्छे खासे पैसे बनाए हैं इस कैंपेन से मैंने ये कैंपेन किया था एक क्लीन के हिसाब से यू you नो know, कि औरतों तक ये बात पहुंच जाए किसी की जान बच जाए मेरी माँ को भी कैंसर था आई आई वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली मैंने देखा है किस तरीके से पैसे घर से जाते हैं और वी वार इन अ वेरी बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थिंक आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड जब ये हुआ था तो so हमारे घर पे उस वक्त मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था एंड uh, शायद देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं यू नो जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि आप तो जानती हैं तो कैंपेन बट कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं लाइक आई एम सेइंग आई कैन नेम देम बट यू गाइज आर स्मार्ट इनफ आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू इन्वेस्टिगेट ऑन दैट य अच्छा अच्छा फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं तो ऑब्वियसली ये होगा कि आपके फैमिली के पास कॉल्स जाएंगे तो उनका क्या टेक था इस बात पे मेरी um, मॉम uh, um, जब मैंने उनसे ये शेयर किया तो ऑब्वियसली पहला रिएक्शन था ये कि ये क्या ये क्या है पागल हो गए थप्पड़ मारो शी 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 रिएक्टेड लाइक दैट बट द मोमेंट आई टोल्ड हर मेरी आपको कैंसर था आप सोचो अगर किसी की लाइफ बचेगी अगर कोई जाके वैक्सीनेशन लेता है एक्चुअली इमीडिएटली सेड आई एम प्राउड ऑफ यू तो अगर मेरी माँ प्राउड है तो बस बात वहीं पर सॉर्टेड राव सावंत का बहुत अलग रिएक्शन आया था आप पे आपने उनसे बात की बाद में नहीं माम आई एम जस्ट बिजी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल तो अभी तो मेरी बात नहीं हुई उस रिएक्शन पे आपको कुछ कहना है आपने देखा वो रिएक्शन yes, मैंने बहुत लोगों की रिएक्शन देखी मेरी आई आई एंड इट वाज वो 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 बोलते ना वो जो चौबीस घंटे uh, मैंने मतलब जो देख लिया है ना मेरे लाइफ में कौन अपना कौन पराया वो जो बोलते हैं ना mm -hmm. वो सब चौबीस घंटे में काफी सीख लिया मैंने ठीक yeah. वो चौबीस घंटे थी कहाँ पर आप मुंबई में ही थी अपने घर पे ही थी आप या कहा थी नहीं आई वॉज नॉट इन माई हाउस आई वॉज एट अ फ्रेंड्स प्लेस बट आई वॉज इन मुंबई घर पे मुंबई में सोच so, सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट आपको किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बना रही है या आप पॉलिटिक्स वगैरह में जा सकती हैं ऐसा कुछ भी है <laughs> I'm I'm happy doing my shoots. मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ मैंने ये कैंपेन किसी का ब्रांड एम्बेसिडर बनने के लिए नहीं किया था ये प्योरली तो इंटेंशनली तक न्यूज पहुंचाने के लिए था और मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो आपने कैंपेन किया है अब।, so, अब हाँ अब अगर आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज इस चैनल के जरिए से अपनी बात रख दीजिए मैं हाँ एबीपी के जरिए ये बोलना चाहूंगी uh, सर्विकल कैंसर गूगल पर 48 घंटे से नंबर वन पर ट्रेंड हो रहा है एंड वन मिलियन प्लस औरतों ने इसकी वैक्सीनेशन ली है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कुड डू मैं इससे ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती तो अगर मेरे एक झूठ बोलने से इतनी सारी जिंदगियां बची हैं I'm proud of myself. Okay, थैंक यू सो मच पूनम हमसे बात करने के लिए आपसे बात करके अच्छा लगा अच्छा है, अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और ऐसे ही रहिए और प्लीज जब भी आप डेली आर आती हैं, प्लीज बताइए ताकि हम स्टूडियो में आपसे बात कर सके सामने सामने फेस टू फेस आई वु सो मच फॉर गिविंग यूर टाइम